بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد و بارک و صلی علی وسلم علی Dear students of second year chemistry, today in lecture 2 of second chapter, the topic is peculiar behavior of lithium. बेटा जी जो है what is meant by peculiar behavior in periodic table. Periodic table में peculiar behavior के बजाय पहले जो है ना वो एक टर्म चलती होती थी डायगोनल रिलेशनशिप, लेकिन अभी पेकुलियर बिहेवियर आपकी किताबों में मौजूद है तो इसलिए उसको ही चलते हैं. तो पेकुलियर बिहेवियर की डेफिनेशन किस तरह आपकी किताब में लिखी है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल शोज मार्क डेविएशंस. वो वाजिया तौर पर डेविएशन शो करता है फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ऑफ द ग्रुप एज ए होल. अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ में वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो ऐसे अंदाज को क्या कहते हैं, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप जो है. तो बेटा जी लिथियम जो है वो भी अपने फर्स्ट ए ग्रुप का पहला एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से डिफरेंट होती हैं, तो देखें जी इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज लिथियम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर अल्कली मेटल्स एंड दिस बिहेवियर इज़ नॉट अनयूजुअल बिकॉज ब्रिलियम आल्सो इज़ डिफरेंट इन प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम कैल्शियम मैग्नीशियम इज सिमिलरली बोरॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम जो है एलुमिनियम एंड गैलियम. इसी तरह से कार्बन जो है वो डिफरेंट है सिलिकॉन से और स्टेनलेस से लेड से. फिर इसी तरह से जो है वो ऑक्सीजन डिफरेंट है सल्फर से, क्लोरीन डिफरेंट है क्लोरीन से वगैरह से. तो बेटा जी हम बात बाद में करेंगे, तो अभी ज़रा जो है वो लिथियम के ऊपर बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं ये 16 के करीब 15 के करीब जो है वो प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करेंगे लिथियम की, जिसमें वो सोडियम पोटाशियम और रुबिडियम वगैरह यानी अपने ही ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट होता है. तो उसकी रीजंस क्या है, तीन रीजंस है किताब में लिखी. एक तो स्मॉल रेडियस ऑफ लिथियम, दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी प्लस वन चार्ज लेकिन साइज इंतहाई छोटा क्योंकि अपने ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यही है, ठीक हो गया ना जी. एंड लेसर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर दैन सोडियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता बल्कि जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता हुआ जो है वो अपना शेल कंप्लीट करता है, तो इसलिए ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है. तो देन सोडियम पोटाशियम वगैरह जो है यानी अपने ही ग्रुप एलिमेंट से जो है, तो इसकी ये जो है द सो कॉल्ड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर ड्यू टू फैक्ट दैट लिथियम इज अनएक्सपेक्टेडली लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन सोडियम. तो बेटा जी कुछ पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम इज हार्डर एंड लाइटर दैन अदर फर्स्ट दैन अदर अल्कली मेटल्स एंड सेकेंड द लिथियम साल्ट्स आर लेसर वाटर सॉल्युबल जो है वो कम वाटर पानी में हल होते हैं लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड. इसकी एग्जाम्पल्स आपका में दी गई हैं. लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में स्लाइटली सॉल्युबल होता है. इस तरह से लिथियम फ्लोराइड जो है और फिर लिथियम फास्फेट लिथियम कार्बोनेट्स जो हैं ये सोडियम इन्हीं कम साल्ट्स में. तो लिथियम जो है फॉर्म्स स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स. लिथियम ही पूरे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में सोडियम पोटाशियम के अलावा के में मतलब पूरे अल्कली मेटल में से सिर्फ लिथियम है जो कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है. बाकी और भी कोई अल्कली मेटल ऐसा करैक्टर नहीं रखती. इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपकी किताब में लिखी हुई है, ये कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर है लिथियम का जिसमें लिथियम जो है वो टेट्रा अमाइन कटाइन बनाया हुआ है लिथियम का जो है, तो ये इस तरह बेटा जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यानी कोऑर्डिनेट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं यानी इनके कंपाउंड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो स्टेबल एग्जिस्ट भी करते हैं नेचर में, बाकी कोई और अल्कली मेटल ऐसा नहीं करती. नंबर पाँच पे बेटा जी नंबर चार पे जो है
लिथियम रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर एज कम्पेयर टू सोडियम पोटाशियम के मुकाबले में जो है तो दूसरी वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। लिथियम साल्ट्स आर लार्जली पोलराइजेबल आयंस। लिथियम के साल्ट्स जो हैं पोलराइजेबल आयंस जैसे आयोडाइड आयन जो है वो पोलराइजेबल है क्योंकि उसका बहुत बड़ा साइज है। इसी तरह से जो है हमने वो पढ़े हुए हैं बाइकार्बोनेट्स हो गए या हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, तो ये जो अनायंस हैं ये जो है वो पोलराइजेबल हैं और इनके साथ जो है लिथियम जो है साल्ट पोलर लेस स्टेबल। ये साल्ट क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं यानी आसानी से डिकम्पोज कर जाते हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट या लिथियम आयोडाइड जैसे कंपाउंड्स जो हैं वो नहीं बनते। तो नंबर छः पे जाके दूसरी अल्कली मेटल जो है वो ऐसा करती है, वो ये इनके साथ स्टेबल कंपाउंड्स बनाती हैं। व्हेन बर्न्ड इन एयर लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। लिथियम जो है वो एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब उसको जलाया जाता है तो वो क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड Li2O। जबकि सोडियम जो है अगर उसको हम जो है वो जब जलाते हैं तो वो सोडियम पारऑक्साइड बनाता है Na2O2। और पोटाशियम जो है वो क्या बनाता है? वो सुपर ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? सुपर ऑक्साइड बना देता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो बड़ा जी, और पोटाशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड। तो इसलिए लिथियम जो है ये ऑक्साइड फॉर्मेशन में है, बेसिक ऑक्साइड ही लेकिन जो है वो डिफरेंट है। तो अब बारी आ गई बड़ा जी सातवें चैप्टर की। लिथियम हाइड्राइड इज स्टेबल, ठीक है ना जी। लिथियम हाइड्राइड जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है जबकि सोडियम हाइड्राइड जो है वो स्टेबल, या सोडियम और पोटाशियम हाइड्राइड जो है वो स्टेबल नहीं होते। फिर बड़ा जी बारी आ गई है लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट। नंबर आठ पे तो लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, उसकी वजह लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है लिथियम का, ठीक हो गया नहीं। लिथियम का लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ये ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यही वजह है कि इसके जो लिथियम के हैलाइड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हल हो जाते हैं। तो एंड द अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी इस तरह की बात है। तो नाइन्थ बेटा जी पॉइंट में लिथियम इज लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ द अल्कली मेटल्स, तमाम अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम रिएक्टिव है। और फिर नंबर 10 पे व्हेन एसिटाइलीन गैस इज डू नॉट लिथियम डू नॉट फॉर्म लिथियम एसिटाइलाइड विद एसिटाइलीन, यानी जब लिथियम को जो है वो हम एसिटाइलीन C2H2 जो है C2H2 गैस के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये जो होती है ना एसिटाइलीन इथाइन जिसे हम कहते हैं ये एस्टिक होती है, क्या होती है? एस्टिक होती है, अपने एस्टिक करेक्टर की वजह से अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है जो कि बेसिक मेटल्स हैं। लेकिन सोडियम के साथ जो है वो ये रिएक्शन देती है C2H2, अगर इधर मेरे पास दो सोडियम हो तो क्या हो जाएगा? इस तरह से मैं बना के भी आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरह का जो है ना वो साल्ट बनेगा सोडियम एस्टलाइड का साल्ट बनेगा। तो लिथियम जो है वो एसिटाइलीन के साथ रिएक्शन नहीं देता है। फिर बेटा जी बारी आ जाती है किसकी? 11th प्रॉपर्टी, क्या जी? के लेसर स्टेबल कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम। लिथियम के नाइट्रेट्स और जो कार्बोनेट्स हैं वो लेसर स्टेबल है, यानी कि जो है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है किसके साथ? जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना जी। तो इसलिए ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूटेगा। मैं आपके सामने ज़रा एक सादा सी बात आपको बयान कर दूं, कुछ इस तरह की बात है बेटा जी। ये देखें जो है लिथियम है स्मॉल साइज में, ये कार्बोनेट है, ऑक्सीजन इस तरह से, ऑक्सीजन और इस तरह से लिथियम, ये क्या बना दिया मैंने? Li2CO3, ठीक हो गया ना जी। अब ये बॉन्ड जो है वो चौके क्या है? स्ट्रॉन्गर है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है। तो ये बॉन्ड जो है वो CO बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? वीकर है। लेकर अब जरा दूसरी तरफ आ जाए सोडियम कार्बोनेट, ठीक हो गया ना जी।
तो यहाँ पे देखिए सोडियम का साइज बड़ा है, सोडियम का साइज क्या है बड़ा है, तो ये आयनिक बॉन्ड या ये क्या होगा वीकर होगा और ये बॉन्ड जो है वो क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसलिए देखिए जब हम कहते हैं लिथियम Li2CO3 तो डिकम्पोज होके Li2O+CO2, तो बॉन्ड कौन सा टूटना है CO बॉन्ड टूटना है, CO बॉन्ड जो है वो लिथियम कार्बोनेट पे क्या है वीकर है और जबकि सोडियम कार्बोनेट में यही CO बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्गर है, ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे लिथियम के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हुई है और इधर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के बड़े साइज की वजह से उसके साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, CO बॉन्ड यहाँ पे नहीं टूटेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा CO बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए लिथियम कार्बोनेट या लिथियम जो है जो नाइट्रेट्स हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं गर्म करने से। तो लिथियम हैज आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर दस इट्स कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल देयर फॉर डिकम्पोज गिविंग लिथियम ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स ऑफ अदर एल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज नहीं करते। डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन द नाइट्रेट्स ऑफ अदर, ये तो मैंने आपको कार्बोनेट्स का दिखा दिया ना जी, इसने तो डिकम्पोज इसने डिकम्पोज करना है वो मैंने कर दिया है, जबकि सोडियम कार्बोनेट ने डिकम्पोज करना ही नहीं है, सोडियम कार्बोनेट ने गर्म करने पे नो रिएक्शन, लेकिन नाइट्रेट्स जो है वो आपको किताब में लिखा होगा लिथियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज करता है तो क्या बना देता है 4NO2+ ऑक्सीजन, जबकि सोडियम नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन। तो बेटा जी आपको एक्सप्लेनेशन हमने दे दी है, अब 12th प्रॉपर्टी में लेसर स्टेबल हाइड्रोक्साइड, लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये अपने कार्बोनेट्स की तरह लेसर स्टेबल है यानी आसानी से जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से डिकम्पोज नहीं होता। आगे 13 में बड़ा जी फॉर्मेशन ऑफ लिथियम नाइट्राइड, लिथियम जो कि कोवलेंट करैक्टर रखता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है तो इसलिए जो है वो नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड बना लेगा, लिथियम नाइट्राइड जो है वो बना देगा, लेकिन जो है वो सोडियम नाइट्राइड सोडियम और पोटेशियम अदर एल्कली मेटल जो है वो ये रिएक्शन नहीं देती। 14 पे बेटा जी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था चैप्टर 8 के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ सॉल्यूशन या हीट सॉल्युबिलिटी वाले में भी पढ़ा था, तो लिथियम क्लोराइड हैज एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, लिथियम कार्बोनेट की भी हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, वेयर हैज क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी तरह से लिथियम जो है वो कार्बन के साथ कार्बन ब्लैक पाउडर के साथ रिएक्ट करते हुए लिथियम कार्बाइड बनाती है, सोडियम और पोटेशियम ये रिएक्शन नहीं देते। तो ये बड़ा जी आज का आपका टॉपिक है, कल इंशाल्लाह ताला जो है वो अगले लेक्चर में फिर पेकुलर बिहेवियर ऑफ जो है वो ब्रीलियम और फिर कुछ अगला साथ काम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हम नासर हो, आमीन, शुक्रिया।